अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। रमज़ान की आमद आमद है और इस बाबरकत महीने में अल्लाह ताला सबके दस्तरखान को रिस्क से भर के रखें। और इस वीडियो के अंदर आज हम कुछ रमज़ान के लिए कुछ प्रिपरेशंस कर लेंगे ताकि रोज़े हम अच्छे से रख सकें और किचन में हमारा काम या हमारा टाइम थोड़ा गुजरे और इबादतों को हम टाइम ज़रा ज़्यादा दे लें। तो इस वीडियो के अंदर मैंने चार डिफरेंट फीलिंग्स बनाई हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं थ्री डिफरेंट फीलिंग्स से। जो सबसे पहली फीलिंग है वो मैंने बनाई है मक्खनी चिकन समोसा। सबसे पहले मैंने प्याज को सोते कर लिया, इसको ट्रांसलूसेंट करना है, बस इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने ऐड किया, उसको थोड़ा सा फ्राई करके देन मैंने बॉयल्ड चिकन इसके अंदर डाला है। और जितने समोसे आप बनाना चाहते हैं उतने आप इसके अंदर एक चिकन या दो चिकन ले सकते हैं। बाकी ये सारे मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे, नमक मिर्च हल्दी और ज़ीरा मैंने ऐड किया है। अब इसके अंदर जो है मैंने ये दही फेंट के 3 टेबल स्पून ऐड की है और क्रीम के भी 3 टेबल स्पून ही ऐड किया है। और ये मक्खन है ये भी 2-3 टेबल स्पून ही है। तो जो ये फिलिंग बनती है ये क्रीम दही और मक्खन की वजह से मक्खनी बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। पर्सनली बहुत पसंद है मेरे बच्चों को यही वाले, वो समोसे जो हैं ज़्यादा खाते हैं। अच्छा जी, आ जाते हैं दूसरी फिलिंग के ऊपर। तो ये है जी वेजिटेबल रोल्स। इसके लिए सबसे पहले मैंने लहसुन अदरक को फ्राई कर लिया है एंड देन उसके बाद मैंने इसके अंदर चिकन ऐड किया। ये बॉयल्ड चिकन है और चिकन बॉयल करते हुए मैंने इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया था। जो कुछ ऐड करूँगी अभी ऐड करूँगी। अच्छे तरीके से उसको ऑयल के अंदर भून लें ताकि उसकी स्मेल थोड़ी सी ख़त्म हो जाए एंड देन इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। लाल मिर्चें और हल्दी और इसके ये सूखा धनिया ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ज़ीरा ऐड किया है और नमक ऐड किया है। बस ये मसाले, थोड़े से मसाले इसके अंदर जाते हैं, ज़्यादा मसाले नहीं डालते क्योंकि पहले ही ऑयली होता है तो मसालों की वजह से और डिस्टर्ब करेगा। तो कम मसाले ऐड करें। और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दी हैं जी वेजिटेबल्स। इसके अंदर है गाजर और बंद गोभी, इनको मैंने जुलियन कट कर लिया था और इसके अंदर ऐड करके हम तकरीबन इसको 2 मिनट्स पकाएंगे बस। और उसके बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे ये हरा प्याज, और हरा प्याज जब ऐड करेंगे तो चूल्हे को बंद कर देंगे, ये अपनी गर्माई में ही थोड़ा सा जो इसने कुक होना होगा वो हो जाएगा। तो ये हमारे जी वेजिटेबल रोल्स रेडी हो गए थे, स्प्रिंग रोल सॉरी। और अब हम आ गए हैं जी तीसरी फिलिंग के ऊपर, और ये मैंने बनाए हैं जी बॉक्स पैटिस, और ये भी बहुत ही मज़ेदार बने थे। मैंने प्याज को ट्रांसलूसेंट किया, इससे ज़्यादा नहीं इसको पकाया, और उसके बाद इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक ऐड करके मैंने चिकन ऐड किया। चिकन को अच्छे तरीके से भून लेंगे ऑयल के साथ थोड़ी देर इसको। ये भी बिल्कुल डिफरेंट फीलिंग है। अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देंगे जैसे कि नमक, लाल मिर्चें, वो भी अपनी टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर लीजिएगा। ये तकरीबन 500 ग्राम चिकन है जिसके अंदर मैंने 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड किया है, 1/2 ही टेबल स्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्चें, ज़ीरा, धनिया पाउडर, ड्राई कोरिएंडर पाउडर है एंड देन मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की है। बस इनको सारे स्पाइसेस को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, 2 मिनट्स इसको कुक करेंगे और फिर जो है इसके अंदर मैं कैचअप ऐड करूँगी। 2-3 टेबल स्पून इसके अंदर कैचअप ऐड करेंगे और 2-3 टेबल स्पून इसके अंदर मायोनीज ऐड करेंगे, और कैचअप और मायोनीज से इतना अच्छा टेस्ट आ जाता है इसका और बाकी पहले जो 2 फिलिंग्स हमने बनाई हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है इसका। बाकी स्प्रिंग अनियन आप पे है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, नहीं तो ओमिट कर दें। और बस जी हमारी ये थर्ड फिलिंग भी रेडी हो गई है। इसके बाद जी हम आएंगे अपने 4th चिकन ब्रेड रोल के ऊपर। लहसुन को फ्राई कर लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा चिकन ऐड करेंगे इसके अंदर। ये तकरीबन 250 ग्राम चिकन है और इसको जो है मैंने हाथ से श्रेड कर लिया था, बॉयल्ड चिकन है। थोड़ा सा ऑयल के अंदर इसको पका लेंगे एंड देन हम इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। जो वेजिटेबल्स हमने इसके अंदर ऐड करनी है वो बहुत ही बारीक कट होनी चाहिए, आप चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं क्योंकि इसको हमने ब्रेड रोल की शेप देनी है। अगर इसके अंदर गाजर थोड़ी मोटी होगी या प्याज थोड़ा मोटा होगा तो ये ब्रेड रोल की शेप ठीक से नहीं आएगी, बाइंड नहीं होगा। तो गाजर ऐड की है, प्याज ऐड किया है इसके अंदर और वो भी चॉपर में चॉप कर लिया है। हाथ से आप करना चाहते हैं तो बहुत बारीक बारीक करिएगा। और ये हमने ऐड किया है जी बंद गोभी, और बस इसको हम थोड़ी देर के लिए पका लेंगे।
सब्जियों को ज़्यादा कुक नहीं करना, क्रंची क्रंची सब्जियाँ मुँह में आएँ तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। वैसे भी इतनी बारीक थी तो वो कुक हो गई होंगी। एंड देन इसके अंदर मैंने लाल मिर्चें ऐड की हैं, हल्दी ऐड किया है, सूखा धनिया पिसा हुआ, और उसके बाद हम नमक ऐड करेंगे। ये सारे स्पाइसेस जो हैं अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसके अंदर ऐड कीजिए। उसके बाद जी इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर 2 चम्मच हमने ऐड करना है मैदे का, और बस हम इसको अच्छे तरीके से कुक कर लेंगे। मैदा इतने अच्छे से कुक कीजिए कि मैदा कच्चा ना रह जाए। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे यखनी। मेरे पास यखनी थी, जब मैंने चिकन बॉईल किया तो यखनी काफ़ी ज़्यादा मेरे पास थी, तो मैंने इसमें तकरीबन 1/2 कप जो है इसके अंदर यखनी ऐड किया। आप दूध भी ऐड कर सकते हैं और पानी भी ऐड कर सकते हैं। ये वाइट सॉस जैसा मिक्सचर बन जाएगा, जैसे वाइट सॉस के अंदर चिकन और वेजिटेबल्स को पकाया, तो ये डिफरेंट फीलिंग है और बहुत ही मज़ेदार ब्रेड रोल्स बनते हैं। बस इसके ऊपर हम इसकी बाद में कोटिंग करेंगे। अब इसके अंदर 3 बॉयल्ड पोटैटोज ऐड किए हैं मैंने। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल 250 ग्राम चिकन था, थोड़े से चिकन में ये इतने सारे ब्रेड रोल्स बन जाते हैं। ये बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव रेसिपी है, स्पेशली इफ्तार के लिए, तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और ये रही हमारी 3 डिफरेंट फिलिंग्स, समोसे की, स्प्रिंग रोल की और बॉक्स पैटीज हैं। और ये हैं हमारे जी ब्रेड रोल्स, जो कि थोड़े से चिकन से इतने सारे ब्रेड रोल्स बन जाएंगे। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने समोसा फिलिंग करना स्टार्ट किया था। इसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ का ध्यान रखना होता है वो ये है कि इसकी जो ये नीचे नोक है ये टोटली बंद हो। अगर ये थोड़ी सी भी खुली रह जाएगी तो सारा मटेरियल बाहर आएगा या ऑयल उसके अंदर जाएगा, तो ये ऑयली बनते हैं। तो बहुत ही देख के आपको इसको इसकी शेप बनानी है। मैंने थोड़े से इस वक्त बनाए थे और उसके बाद रात को मिल के फिर सबने, पूरी फैमिली ने जो है समोसे रोल और बॉक्स पैटीज बनाए थे, शामी टिकियाँ बनाई थी। अब आ जाते हैं जी शामी टिक्कियों पे। शामी टिक्कियों में मैंने ये फुल पैकेट, ये तकरीबन 900 ग्राम का दाल का ऐड किया है, लहसुन ऐड किया, और इसके अंदर मैं चिकन ऐड कर रही हूँ, ये तकरीबन 1 kg, थोड़ा सा ज़्यादा है। और इसको ऐड करके मैं इसके अंदर खुश्क मसाले सारे ऐड करूँगी, जैसे कि दालचीनी है, बड़ी इलायची है और लौंग। ये ऐड करने के बाद इसमें स्पाइसेस भी ऐड करेंगे, लाल मिर्चें, नमक और हल्दी, और उसके बाद इसको मैं वेट लगा दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए।
10 मिनट बाद चिकन भी बॉयल हो गया और दाल भी बॉयल हो गई अच्छे से। दाल को मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी, चिकन को मैंने अलग से निकाल लिया और उसको मैं हाथ से श्रेड करके डालूँगी ताकि शामी कबाब के अंदर रेशे अच्छे से आ जाएं। तो ये मैंने अलग से श्रेड कर लिया था चिकन, ये मैंने चॉपर में चॉप नहीं किया वरना इसका हलवा बन जाएगा। और बाद में फिर इसके अंदर हम ऐड करते हैं जी धनिया और साथ हरी मिर्चें जितनी आप डालना चाहते हैं, और अदरक का बड़ा सा टुकड़ा। इसको मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी बारीक बारीक सा चॉप करके। देखिए हम इसके अंदर टिक्कियों में बाद में ऐड करेंगे क्योंकि ये बाद में इसका अरोमा बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा आता है। और जब आप इसको शामी टिक्कियों को फ्राई करते हैं तो धनिया और अदरक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। शामी टिक्कियाँ सारी बनाने के बाद मैंने इसको फ्रिज में फ्रीज़ कर लिया था, और इसको आपने इस तरह से फ्रीज़ करना है, प्लेट के अंदर एक लेयर लगानी है एंड देन चॉपर या पेपर उसके ऊपर रख के दूसरी लेयर लगानी है ताकि एक दूसरे के साथ चिपक ना जाए। और जब ये फ्रीज़ हो गई तो फिर मैंने इनको जिप लॉक बैग के अंदर ऐड कर दिया ताकि फ्रीज़र में जगह ज़रा कम ले ले। तो ये मेरे बॉक्स पैटिस भी रेडी हैं, ये भी सब कुछ फ्रीज़ हो गया है, और ये रोल्स हैं और ये सारे समोसाज हैं। तो रमज़ान का काफ़ी काम मेरा हो गया है जिसकी वजह से रमज़ान के अंदर मुझे फ्री टाइम मिलेगा ताकि मैं अपनी इबादत पे टाइम दे सकूँ और रमज़ान को अच्छे तरीके से गुजार सकूँ।